The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, kaise hain aap? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों ये चल रही है हर हेल्थ सीरीज़ यानी फीमेल हेल्थ सीरीज़ और इस सीरीज़ में पहला एपिसोड है पीरियड पेन का। ऑब्वियसली पीरियड्स मेंसेस महीने के दौरान उनको फीमेल्स को दर्द होता है, कईयों को होता है, कईयों को ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम जानेंगे उस दर्द के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या कारण होते हैं और क्या कर सकते हैं वो आप उस बारे में, राइट। सो पीरियड पेन जिसे मेडिकल लैंग्वेज में डिसमेनोरिया भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन भी कहते हैं, पीरियड पेन भी कहते हैं, राइट। सो क्यों होता है, सबसे पहले तो ये है क्या, पेन है क्या, ठीक है। पीरियड में महीने में उनकी नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग के दौरान यूट्रस जो होता है, उनका जो गर्भाशय होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। और उस समय पेन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन के वजह से और वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम अंदर की जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, वो शेड होती है, शेड का मतलब वो निकल जाती है, राइट। हर महीने ही गर्भाशय जो है अंदर की लाइनिंग एंडोमेट्रियम बढ़िया अच्छा बनाता है, वहाँ पे बिस्तर सजाते हैं कि जो अंडाशय है वो वहाँ पे आएगा फर्टिलाइज होके, लेकिन वो नहीं आता, इम्प्लांट नहीं होता तो वो शेड हो जाता है, ठीक है। उस दौरान यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन शेडिंग के लिए हेल्प करता है और साथ में पेन भी कर सकता है। ये पेन जो है कई बार एक थ्रॉबिंग सा पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग सा पेन हो सकता है, एब्डोमेन के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, राइट। और साथ में कई बार इनको और भी कुछ सिम्टम हो सकते हैं, जैसे पीठ के निचले हिस्से में लोअर बैक पेन में पेन होना, उपकाई आना, नौजिया, कई बार सर में दर्द या डायरिया, लूज मोशन भी हो सकते हैं। ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नहीं है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है वो अलग होता है और ये मेंसल्स का पीरियड पेन अलग होता है, ये दोनों अलग चीज़ है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आपको वेट गेन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, थकान हो सकती है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सबसे बड़ी बात कि ये पीरियड के काफ़ी दिन पहले यानी एक से दो हफ्ते पहले से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पेनफुल पीरियड्स हैं, पीरियड के जो एक्चुअल पेन है, दर्द है, महीने का दर्द, वो महीना आने के बाद या एक आध दिन पहले हो सकता है, ठीक है ना। सो जब भी ऐसा होता है, दर्द होता है पीरियड के दौरान, तो उसके कारण दो होते हैं, दो ही प्रकार के कारण होते हैं। या तो कारण बेसिक सिर्फ पीरियड के दर्द के वजह से है, जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो हमने कहा गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो हॉर्मोन्स के वजह से होता है। मेन हॉर्मोन वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये एक केमिकल है जो आपका यूट्रस, आपके गर्भाशय खुद ही बनाता है, राइट। और ये आपके यूट्रस की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टाइट करती है, रिलैक्स करती है, टाइट करती है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट क्रैम्प्स करती हैं, जैसे मान लीजिए, तो उस वजह से दर्द होता है, राइट। और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पेन जो है एक से दो दिन पहले भी हो सकता है, ठीक है। और ये बात ये और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप यंग होते हैं, जवान होते हैं, जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतना पेन इनिशियली ज़्यादा होता है, पहले पहले ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे पीरियड्स आते रहते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, उम्र बढ़ती रहती है, आदत हो जाती है, तो पीरियड का पेन भी कम होता जाता है जब ये प्राइमरी डिसमेनोरिया है, प्राइमरी प्रॉब्लम है तो। और साथ में मान लीजिए सेक्सुअल इंट्रैक्शंस के बाद या फिर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ये पीरियड का ये जो पेन है और थोड़ा कम हो जाता है, ये भी बात है इसमें, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये कारण नहीं है, प्राइमरी डिसमेनोरिया नहीं है, कोई और कारण है उसका पीरियड में दर्द होने का, कोई बीमारी, कोई एक्चुअल डिजीज है, वो फिर सेकेंडरी डिसमेनोरिया हो जाता है, जो कि हो सकता है इनिशियल लाइफ में पहले पेन नहीं होता था, अब शुरू हो गया, राइट। वो फिर सेकेंडरी हो सकता है। उस केस में या तो यूट्रस में, आपके गर्भाशय में या उसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि या तो रसोली
यूट्रस में फाइब्रॉयड हो गया है, या तो जो आपके गर्भाशय है उसके अंदर की जो लाइनिंग एंडोमेट्रियस एंडोमेट्रियम है उसका इन्फ्लामेशन एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, वैसे कुछ हो सकता है। और ये वाला जो पेन होता है सेकेंडरी वाला, ये जो है समय के साथ कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। सो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सिंपल फाइंडिंग है, वो बढ़ता जाएगा और ये पीरियड्स के शुरू होने के काफ़ी दिन पहले से भी शुरू हो सकता है और पीरियड ख़त्म होने के बाद भी हो सकता है। ये बात आप याद रखिए, तो ये बीच में भी हो रहा है वैसे पीरियड में बढ़ जा रहा है, इस तरीके का पेन होगा तो वो हमें इंडिकेशन देगा कि हाँ ये कुछ और भी हो सकता है। इस केस में फिर हमें टेस्ट करवाने पड़ेंगे, राइट। लेकिन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप कर क्या सकते हो अगर आपको पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान, ज़्यादा पेन होता है। नंबर वन चीज़ आप कर सकते हो कि आप एक हीटिंग पैड, एक गर्म गर्म सिकाई गर्म पानी की थैली रख लो, ऐसा कुछ रख लो, हीटिंग पैड रख लो जो पेट के निचले हिस्से में रख लो। तो क्या होता है कि आपके गर्भाशय है यूट्रस है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उससे पेन कम हो जाता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने भर से भी आराम मिलता है, गर्म पानी से नहाने से आराम मिलता है और रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे योगा मेडिटेशन करने से आराम मिलता है। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो उस दौरान, और अगर इनसे आराम ना हुआ तो फिर आप दवा ले सकते हो, पेन किलर्स, पेन रिलीविंग मेडिसिन जैसे कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि पैरासीटामोल, ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, ये सब दवाएं, कॉम्बिफ्लेम जैसी दवाएं, राइट। इनसे क्या होता है, ना सिर्फ पेन कम होता है बल्कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो मेन हार्मोन है वो भी थोड़ा सा कम होता है, जिसके वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो दोनों इफेक्ट करता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, इसका साइड इफेक्ट भी है, जिसको ब्लीडिंग हो रही है, जिसको स्टमक में अल्सर है, जिसको एलर्जी है इन चीज़ों से, वो सब वो लोग नहीं लेंगे इसको, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट। पेन किलर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी के बारे में कई बार बताया, किडनी पे इफेक्ट होता है, दूसरी चीजों पे इफेक्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर खासकर अगर आप मान लीजिए अल्कोहल लेते हैं, अगर आप टोबैको बीड़ी सिगरेट भी पीती हैं, तो फिर वो आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो भी आपके पेन्स को इंक्रीज कर सकता है, राइट। आपकी नेक्स्ट टाइम पेन होगा बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, राइट। सो वो आपको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका इन दवाओं से या इन सारी चीज़ों से गर्म थैली रखने से रिलैक्स करने से भी कम नहीं हो रहा, या एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, या फिर आप 25 साल के ऊपर है और फिर आपको एकदम से दर्द शुरू हुआ, पहले कभी नहीं था, और या फिर मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है पीरियड्स के साथ साथ, दर्द के साथ साथ, तो फिर आप जो है, या फिर आपको दर्द हो रहा है और पीरियड था ही नहीं, तो फिर आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, राइट। डॉक्टर के पास जाना होगा, टेस्ट कराना पड़ेगा, और टेस्टों में अल्ट्रासाउंड, इमेजिंग सेंटर, इमेजिंग्स जो होती है, मेन तो अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो आती हैं पेट चेक कर लेते हैं, उससे थोड़ा बहुत आइडिया, जनरल चेकअप से आइडिया मिल जाएगा कि क्या बीमारी है। अल्ट्रासाउंड में रसोली हो, एंडोमेट्रियोसिस से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि क्या बीमारी है, ओवरीज, यूट्रस सब सही है या नहीं। इस चीज़ में ट्रीटमेंट की जब बात करें, अगर तो प्राइमरी डिसमेनोरिया है जिसमें कि सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का कारण है, आपकी कोई रसोली नहीं है, कुछ उल्टा सीधा चीज़ नहीं है, तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेन किलर मेन, थोड़े दिन के लिए आराम, और वो सब चीज़ें जो हमने बताई, गर्म पानी की थैली, पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, रिलैक्स करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, उतना ही बहुत है, उतना ही करना है बस। आगे के लिए आपको कि भाई मेरे को हर बार होते हैं, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं करना चाहती, ऐसा वैसा ये वो, तो आगे के लिए आप फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हो, उसके पैच भी आते हैं, रिंग्स भी आते हैं, इंट्रायूटराइन डिवाइस भी आते हैं, वो यूज़ करने से हार्मोनल इम्बैलेंस बेटर हो जाता है, पेन कम हो जाता है, बंद हो जाता है कई बार, राइट। और मेडिकेशन तो है ही, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो पेन किलर है वो ले ही सकते हैं। और अगर सेकेंडरी डिसमेनोरिया है, यानी कोई कारण है, जैसे फाइब्रॉइड है, रसोली है, आपके यहाँ पे गर्भाशय में मान लो एंडोमेट्रियोसिस है, इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इन सब कारणों से भी दर्द हो सकता है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट उस बीमारी पे डिपेंड करेगा, जैसे फाइब्रॉइड है, रसोली है, तो हो सकता है उसका ऑपरेशन करना पड़े, एंडोमेट्रियोसिस है या इन्फेक्शन है तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो ये हुई छोटी सी जानकारी, मेन पॉइंट्स, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पीरियड पेन के बारे में। आई होप आपको मदद मिले, मिलती है तो लाइक एंड शेयर, शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं, उल्टे सीधे लोगों के पास जाते हैं, उल्टी सीधी दवाएं खाते हैं और लोग उन्हें ऐसी तैसी कर देते हैं। सो यू नीड टू शेयर दिस वीडियो, फीमेल्स ज़रूर शेयर करना है, सब फीमेल्स को मिलना चाहिए,
हम डॉक्टर परमजीत, ऐसी ये सीरीज़ चलेगी, बहुत सारे वीडियो इसमें आएंगे। और भी कोई टॉपिक आप चाहते हैं उनकी हेल्थ, हर हेल्थ, फीमेल हेल्थ के बारे में, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आई रीड द कमेंट्स और मैं लाइव भी आता हूँ, यू नो दैट, राइट, 10 बजे रात को। सी यू देयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।